दोस्तों, आज है ट्यूसडे और आज है आपके लिए ट्यूसडे सुपर प्लस टेलीकॉम न्यूज। जैसे दोस्तों पहला न्यूज आ रहा है वोडाफोन आइडिया की तरफ से। हाँ दोस्तों, कल वोडाफोन आइडिया का एजीआर ड्यूज का हियरिंग था सुप्रीम कोर्ट में, और मैंने दोस्तों जो आप लोगों के साथ वादा किया था कि वोडाफोन आइडिया का एजीआर ड्यूज का जो मामला हुआ वो पूरा रिजल्ट आते आते तो शाम हो जाएगा, तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा आपको कि वोडाफोन आइडिया का एजीआर ड्यूज क्या हुआ। नेक्स्ट न्यूज आ रहा है दोस्तों जियो की तरफ से। जियो ने इधर फिलहाल क्लोज्ड कर दिया है दो पॉपुलर प्लान को, तो क्या कुछ खबर आज निकल के आया है आपको एक साथ सब कुछ जानना है, तो ये वीडियो जरूर आपको आखिर तक देखना ही होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामदीप, हमेशा की तरह दीपटेक 30 यूट्यूब चैनल का और एक बिल्कुल फ्रेश नया एंड एवर एक्साइटिंग एपिसोड में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा देना बिल्कुल ना भूले, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ऐसे ही आपको घर बैठे हर दिन मुफ्त मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ हटके जान लेते हैं। तो दोस्तों पहला न्यूज आ रहा है दोस्तों जियो के तरफ से। जियो ने दोस्तों दो पॉपुलर प्लान को शट डाउन कर दिया। एक है दोस्तों 49 रुपीज का प्लान और सेकंड है 69 का प्लान। दोस्तों 49 में आपको मिल रहा था 14 डेज के वैलिडिटी के साथ साथ अनलिमिटेड कॉल और 2 GB हाई स्पीड डेटा, और 69 में आपको मिल रहा था 14 डेज के वैलिडिटी के साथ साथ अनलिमिटेड कॉल और उसी के साथ साथ 7 GB हाई स्पीड डेटा। ये प्लान दोस्तों शट डाउन कर दिया है जियो ने। और दोस्तों जो मिनिमम प्लान रखा, मतलब जो मिनिमम आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा जियो में, वो रहा दोस्तों 75 का रिचार्ज। नेक्स्ट न्यूज आ रहा है दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M31S के बारे में। हाँ दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी M31S का जो लॉन्चिंग डेट वो तो कंफर्म हो ही गया इंडिया में, वो दोस्तों लॉन्च हो जाएगा 31 जुलाई 2020 को। और ये दोस्तों सैमसंग M31S में जो स्पेशल फीचर्स है वो है दोस्तों 6000 mAh का बिग बैटरी और उसी के साथ साथ दोस्तों 64 MP क्वाड कैमरा। इधर दोस्तों आप बता दीजिए कि आप सैमसंग M31S लेने के लिए अभी तैयार हो गए हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बता देना। नेक्स्ट न्यूज आ रहा है दोस्तों वोडाफोन आइडिया की तरफ से। हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कल वोडाफोन आइडिया का हियरिंग हो गया था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में ये हियरिंग फुलफिल एंड फाइनल हियरिंग तो नहीं हुआ। इधर दोस्तों जो स्पेशल न्यूज निकल के आया है वोडाफोन आइडिया की तरफ से, दोस्तों जैसे वोडाफोन आइडिया बताया था कि अगले जो एजीआर ड्यूज का हियरिंग था, उधर दोस्तों बताया था कि एक्सिस बैंक, मतलब एक्सिस बैंक की तरफ से एक्सिस कैपिटल उसके उस कंपनी के लिए देगा बैंक का गारंटी, लेकिन दोस्तों कल जाके वोडाफोन आइडिया ने कहा कोई भी बैंक इधर तो एग्री नहीं हो रहा है उसके लिए कोई भी बैंक गारंटी देने के लिए। ये तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया की तरफ से एकदम एक बैड न्यूज है, क्योंकि दोस्तों वोडाफोन आइडिया एक लॉस मेकिंग कंपनी है और कोई भी बैंक नहीं चाहते हैं कि उसके लिए वो गारंटी दे पाए। और दोस्तों वोडाफोन आइडिया की तरफ से और एक जो हियरिंग निकल कर आया है, जिधर दोस्तों वोडाफोन आइडिया ने आज सब सुधरा कह दिया। वोडाफोन आइडिया का जो टोटल एजीआर ड्यूज है वो दोस्तों सुन के आप भी चौंक जाओगे। इधर दोस्तों ये बात पहले बार ही हो रहा है, वोडाफोन आइडिया का जो स्पेशल एजीआर ड्यूज है वो है दोस्तों ओनली 14,000 crore। हाँ दोस्तों, ओनली 14,000 crore। ये दोस्तों 14,000 crore मतलब जो अभी हुआ है 58 crore 1000, ये दोस्तों पेनल्टी के ऊपर पेनल्टी, उसके ऊपर सर्विस चार्ज, उसके ऊपर जीएसटी, ऐसा लगा के वो हो गया 58 crore 1000। और दोस्तों ये हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस मिश्रा जी वो सुना और बताया भी था, ये दोस्तों वोडाफोन आइडिया के साथ जो हुआ है बहुत ही बुरा हुआ है। हो सकता है अगला हियरिंग में वोडाफोन आइडिया की तरफ से कुछ रिलीफ मिल जाए, मतलब वोडाफोन आइडिया का कुछ रिलीफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूंगा, वोडाफोन आइडिया ये भी कहा जो अभी उसका नेट इनकम हो रहा है मंथली, वो दोस्तों सब कुछ जा रहा है एम्प्लॉय को पैसा देते देते, एजीआर ड्यूज में तो लगेगा ही लगेगा, लाइसेंस फीस है, स्पेक्ट्रम फीस है, और दोस्तों जो स्पेशल है वो टावर रेंटल। पहले कुछ दिन में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि वोडाफोन आइडिया टावर का रेंटल भी नहीं दे पा रहा है, ऐसा लॉस मेकिंग कंपनी है। और दोस्तों ये भी बात वोडाफोन ने आज कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और वोडाफोन आइडिया को कुछ रिलीफ तो मिल सकते हैं, जो फाइनल डेट निकल के आएगा वहां पर कुछ भी रिलीफ मिल सकते हैं। इधर
दोस्तों आप बता दीजिए कि वोडाफोन आइडिया का कुछ रिलीफ मिल जाएगा, मतलब वोडाफोन आइडिया का जो असली जो एजीआर ड्यूज है वो तो है ओनली 14,000 कोड, इधर दोस्तों वोडाफोन आइडिया को देना है 58,000 कोड। तो दोस्तों क्या सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राहत देगा वोडाफोन आइडिया को? और दोस्तों वोडाफोन आइडिया की तरफ से और एक जो गुड न्यूज है, वोडाफोन आइडिया आज ही लॉन्च कर दिया है उसका ओनली वोडाफोन का ई सिम। हाँ दोस्तों ई सिम जो लॉन्च किया है वो दोस्तों स्पेशली आईफोन के लिए लॉन्च किया है, और ये दोस्तों अभी अवेलेबल है मुंबई सर्किल में, दिल्ली सर्किल में एंड गुजरात सर्किल में। हाँ दोस्तों इसका मतलब ये इधर एक पकड़ सकते हो कि वोडाफोन आइडिया तो शट डाउन नहीं होने वाला जो ई सिम निकल कर दे दिया है आईफोन के लिए। और दोस्तों एजीआर का क्या कुछ मैटर होगा, आपको क्या लगता है कमेंट सेशन में कमेंट्स करके जरूर बता देना। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। वीडियो पसंद आने पर प्लीज एक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा देना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड वंदे मातरम।